कैसे हैं आप सब। तो सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप ड्राइनेस, डलनेस और डैमेज और हाइड्रेटेड स्किन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हर किसी को पसंद है अपनी स्किन पर ग्लो, अपनी स्किन अच्छी लगे और हमारी स्किन पर कोई भी डैमेज ना आए, हाइड्रेटेड बिल्कुल भी ना हो और हर कोई चाहेगा कि हमारी स्किन ग्लो करे। तो मैं आज आप लोगों के लिए इस क्रीम का एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और ये है कोकोनट क्रीम। गुड वाइब्स का ब्रांड है, आप जानते होगी कि गुड वाइब्स का ब्रांड कितना अच्छा है। नो पैराबिन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, कल्ट्री फ्री, ठीक है। और ये क्रीम इतनी ज़्यादा अच्छी है और इस क्रीम का रिव्यू मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि आज फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। जैसे कि आप मेरे फेस पर ग्लो देख पा रहे हैं, तो मैंने इसी क्रीम का यूज़ अभी किया है और अपना जो है मेकअप कंप्लीट किया है। तो मैं भी आपको डेमो दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से इसे अभी किया था। तो इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, जो लोग चाहते हैं कि एक अच्छे से अच्छा क्रीम परचेस करना, जिनकी स्किन डल है, बिल्कुल चमक नहीं है स्किन पर, तो वो इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए। और ये जो हमारी स्किन जो एकदम रूखी रूखी होती है, ड्राई स्किन होती है और रफली स्किन होती है, उनके लिए ये क्रीम बेस्ट है। ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ी सी ऑयली हो सकती है, बट थोड़ा सा ऑयल आ सकता है, लेकिन उनके लिए भी ये मतलब कितना बेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ड्राई स्किन, डलनेस स्किन जिनकी है और रफ स्किन जिनकी है, उनके लिए बेस्ट है ये क्रीम। और ऑल स्किन टाइप्स है, वैसे तो ऑल स्किन टाइप्स वाले से यूज़ कर सकते हैं, जिनकी स्किन ऑयली है वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको पूरे पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे इसे यूज़ करने पर, आप खुद देखेंगे कि यूज़ करने के बाद आपकी जो फेस पर ग्लो है वो कितना अच्छा आ रखा है। तो इसे हर कोई यूज़ कर सकता है, आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग। इस क्रीम को मैंने बहुत टाइम पहले ही परचेस कर लिया था, बट मैंने इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं इस क्रीम को यूज़ करूँगी और कंटिन्यू इसे यूज़ करूँगी, अगर मुझे रिजल्ट मिला तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली मुझे रिजल्ट मिला इससे, बहुत ही अच्छा मुझे एक बेनिफिट मिला, तो तभी मैं आज आप लोगों के साथ इस क्रीम का रिव्यू शेयर मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या है। गुड वाइब्स का जो ब्रांड है, कोकोनट जो क्रीम है, आपको गुड वाइब्स के ब्रांड में ही मिलेगा, ये ब्रांड इसी ब्रांड में मिलेगा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस क्रीम के जो है मैं बात करूँ तो इसमें पैराबिन बिल्कुल भी नहीं है, ना सल्फेट है, कल्ट्री फ्री है और नो मिनरल ऑयल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, टीनेजर्स के लिए भी अच्छी है, टीनेजर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इस क्रीम के। और अगर मैं बात करूँ इस क्रीम का, तो आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं और इसे मैं अभी ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का कैप होता है, जो इस तरीके से कैप में ये बंद होती है, ये देखिए। और ट्रेवल फ्रेंडली भी है, आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें से निकलेगा नहीं। और जो इसका जो कैप है बहुत ही अच्छे से लॉक हो जाता है और गिरने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की क्रीम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसकी मैं पिगमेंटेशन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और इसकी जो स्मेल है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे परचेस कर ही लीजिए, और जो कोई अच्छे से अच्छे ब्रांड का क्रीम परचेस करना चाहते हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि हाँ वो इस क्रीम को यूज़ कर ही लें और एक बार ज़रूर परचेस करके देखें। और मैं इसकी प्राइस बता दूँ, इसकी प्राइस है 225, लेकिन हाँ purple.com पे जो है डिस्काउंट चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको अच्छे से अच्छे बजट में ये मिल जाएगा। तो और इसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको ये मिलेगा 50 ग्राम का मैंने ये मंगवाया था, 50 तो नेट वेट आपको 50 मिलता है। और अगर आप चाहो तो एक बड़ा पैक मंगवा सकते हैं, पहले आप छोटा पैक ही मंगवा के देख लीजिए, अगर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप बड़ा पैक ज़रूर मंगवा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा ये सेकंड है, तो मैंने इसको सेकंड बार मंगवाया है, फर्स्ट जो था मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने इसे बहुत टाइम तक यूज़ किया था, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं दोबारा इसे मंगवाऊँ और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ। तो इसका मैं थोड़ा सा डेमो आप लोगों के साथ दे देती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले लिया है गुड वाइब्स के वाइब्स, और इसी से मैं ना अपना मेकअप रिमूव करूंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ रिमूव करके। बट मैं आईज मेकअप रिमूव नहीं करूंगी, ठीक है, बस अपना फेस का जो मैंने किया था स्किन केयर, बस मैंने फॉलो कर रखा है और कुछ नहीं फॉलो कर रखा, तो बस इतना ही मैं करूंगी। स्टार्ट करने वाली हूँ अब मैं इस क्रीम का जो है डेमो आप लोगों के साथ फटाफट। तो देखिए, इस ढक्कन पे थोड़ा सा लगा है तो इसी को मैं लगाऊंगी।
अब इसमें से लूँगी थोड़ा सा, हम वेस्ट नहीं जाने देंगे इसे क्योंकि हमने इस पे पैसा लगाया है और ये थोड़ी महंगी भी है, तो ध्यान से। और इतना ज़्यादा इसका टेस्टर स्मूथ है, बहुत ही स्मूथली अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है। या और ये क्रीम अब मेरी जो है फेवरेट बन चुकी है। और हाँ, बारकी आवाज को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो खेलेंगे, बच्चों को मना कौन कर सकता है खेलने के लिए। या लुक एट दिस, कैसा लग रहा है, ग्लो कर रहा है ना, सच में ग्लो आया है ना। मैंने आपसे कहा था कि मैंने बस इसी क्रीम से अपना जो है इस मेकअप, ये मेकअप मैंने कर रखा है और मैंने कुछ भी यूज नहीं कर रखा, और आप देख सकते हैं पहले जितना ग्लो था अभी भी उतना ही ग्लो है। फर्क इतना है कि बस लिपस्टिक थोड़ा रिमूव हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं और कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्रीम के साथ फुल फेस मेकअप शेयर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों के साथ इस क्रीम के साथ फुल फेस मेकअप ज़रूर शेयर करूँगी कि आप कैसे इस क्रीम का यूज़ कर सकते हैं अपने मेकअप करते वक्त और एक अच्छा सा ग्लो अपने फेस पर पा सकते हैं। और आप इसको, इस क्रीम को चाहे डे में यूज़ कीजिए, चाहे नाइट में यूज़ कीजिए, या फिर आप चाहे जब आप चाहे तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेंगे। नाइट टाइम इसे यूज़ कर सकते हैं, नाइट टाइम में आप फेस वॉश करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और स्किन केयर फॉलो करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप अपना स्किन केयर फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद इस क्रीम को आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन लेकर आऊँगी, जल्दी ही शेयर करूँगी। और सीटीएम तो हर कोई करता होगा, क्योंकि क्लीनिंग टॉनिंग मॉइस्चराइजर, सीटीएम हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम सीटीएम फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे जो फेस का जो ग्लो है वो डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल डल लगेगा, इसलिए हमें सीटीएम फॉलो करना ही करना है। तो जो लोग करते हैं तो उसके बाद आप इस क्रीम को कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट देगा। मैं यही कहूँगी कि आप इस क्रीम को परचेस कर लीजिए, आप पहले छोटा पैक परचेस करके देखिए, अगर आपको सूट करता है तो आप सेकेंड टाइम बड़ा पैक आप परचेस कर लीजिएगा, समर एंड विंटर के लिए बेस्ट है, मैं यही आप लोगों से कहूँगी। और मेरा मानना है कि आप लोग इसे कर ही लीजिए परचेस, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो आपने देखी है कितना अच्छा और कितना स्मूथ है, और वाइट कलर का है, और कोकोनट तो आप जानते हैं कि कोकोनट में विटामिन ई के जो है पाए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स, तो बहुत ही ज़्यादा ये हमें बेनिफिट्स देता है। और इसकी जो अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपको इसमें ग्लिसरीन मिलेगी, आपको इसमें एलोवेरा मिलेगा, और मॉइस्चराइजर का काम करेगा आपके ऊपर, आपके फेस पर मॉइस्चराइजर का काम करेगा, और सोडियम आपको इसमें मिल जाता है। इसमें बहुत से ऐसे दे रखे हैं ब्रांड ने, इसमें इतना कुछ दे रखा है कि आपको इस क्रीम के ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए थोड़ा सा चिपचिपा हो सकता है, बट आप इसके ऊपर अगर कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेते हैं तो आपके फेस पर ये ऑयल का काम कम ही करेगी। तो बस मैं ये कहूँगी कि आप इस क्रीम को जल्दी से जल्दी ही परचेस कर लीजिए, और आपको बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको दे रखा है कि आप किस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अपना फेस वॉश कर लेना है, सीटीएम फॉलो करना है, उसके बाद आपको जेंटली मसाज देते हुए अपने फिंगर से ही इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर, जैसे कि मैंने अभी फिंगर से अप्लाई करके अभी आपको दिखाया था। हथेली का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि कोई कोई लोग होते हैं कि हथेली को ऐसे ऐसे करके रगड़ देते हैं, नहीं, हमें हथेली का यूज़ नहीं करना है, हमें फिंगर का यूज़ करना है। हम अगर फिंगर का यूज़ करेंगे तो हमारा जो फेस पर जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से जेंटली हमारे फेस पर जो है अब्सॉर्ब हो जाएगी और एक अलग ही ग्लो देगी। आप कोई भी क्रीम यूज़ करते हैं तो आप फिंगर का यूज़ कीजिए, हथेली का यूज़ कम यूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ से आके परचेज कर लीजिएगा purple.com से आपको ये मिल जाएगी, और आपको कहीं नहीं मिलेगी क्रीम, ठीक है। तो इस क्रीम का बस डेमो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरा ये क्रीम का रिव्यू पसंद आया तो आप एक बार जरूर से परचेज करके देखिए और अपना फीडबैक जरूर मेरे साथ शेयर करके देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको आगे क्या देखना पसंद है अपनी फेस के लिए, आप क्या आप यूज़ करना चाहते हैं जिससे कि आपकी फेस पर एक्नेस की प्रॉब्लम कम हो जाए या झाइयों की प्रॉब्लम कम हो जाए, अगर आपकी स्किन डल है, डैमेज है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो आप क्या देखना पसंद करेंगे, तो मैं आपके साथ हाजिर हूँ
हर एक ऐसी चीज के साथ जो आपके फेस के लिए बेनिफिट्स देगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। लव यू ऑल, बाय बाय।